आप वृक्षों को काटते चले जाते हैं बिना फिक्र किए, लेकिन अब घबराहट पैदा हो गई क्योंकि आदमी ने बहुत वृक्ष काट डाले जमीन पर। उसको पता ही नहीं था कि वृक्ष के बिना जमीन नहीं हो सकती, क्योंकि वृक्ष बिल्कुल अनिवार्य है आपके जीवन के लिए। वृक्ष सूरज की किरणों को पीता है, इस जमीन पर कोई और चीज उनको नहीं पी सकती, और वृक्ष पी के उनको डी विटामिन बना देता है। वो डी विटामिन जीवन के लिए बिल्कुल जरूरी है। अगर वृक्ष कम होते चले गए, डी विटामिन कम हो जाए, आदमी मुश्किल में पड़ जाए, पक्षी मुश्किल में पड़ जाए। आप वृक्ष काटते चले गए, आप अपने जीवन का एक अंग काटते चले गए, अब अड़चन शुरू हो रही। वृक्ष हैं तो बादलों को वृक्ष आकर्षित करते, निमंत्रण देते, उनकी प्यास बुलाती, खींचती, उनकी ठंडक बादलों को अपने पास ले लेती, बादल उनसे आनंदित उन पर वर्षा कर जाते। वृक्ष काट देते हैं, बादल चले जाते हैं, आप नीचे खड़े देखते रहते हैं कि कब वर्षा हो, लेकिन आपके लिए बादल कभी नहीं आए थे। आपसे उनका सीधा कोई संबंध ही नहीं है, आपसे उनका संबंध वृक्षों के द्वारा है, वाया मीडिया है। आदमी से बादलों का कोई लेना देना नहीं है, बादल आदमी की कोई आवाज नहीं सुनते, आप कितने ही इंद्र देवता को बुलाओ।